लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। के दौर में बंबई शहर जुए के अड्डों, शराब खानों, सट्टा और स्मगलिंग के लिए बहुत मशहूर था। यहां क्रिमिनल्स कोई दादा, कोई बाबा, कोई बॉस तो कोई डॉन के नाम से जाना जाता था। क्राइम की इस नगरी में एक नाम था, डॉन मुथुस्वामी। अच्छा हुआ तुम आया, आओ। अप्पा कैसे है? आखिरी सांस ले रहा है। अम्मा मुरारी त्रिपुरा त्रिकारी। नमस्कार डॉन मुथु स्वामी जी। ईश्वर है, देखो जी तुम्हारा बेटा डॉन मुथु स्वामी तुमको मिलने को आया जी। अप्पा, अप्पा मुथु, अप्पा इंगेवा, ऐसा लगता है आपका अप्पा आपको गले लगा के आशीर्वाद देने का जी। हाँ। थप्पड़ क्यों मारा अप्पा? गुंडा, बदमाश, स्मगलर। इतना बड़ा बड़ा गाली क्यों देता अप्पा? गोली चलाता, फोन करता, घर का दुनी धंधे करता, दूर हो जा मेरे सामने से। अप्पा, अरे मुत्तू, तूने जो किया हमें मरने के बाद भी शांति नहीं मिलने का। ठीक है अप्पा, ठीक है, तुम बोलो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मेरे को क्या करने का। ये अब क्यों थप्पड़ मारा? तू चाहता मरने का? तुम गलत समझा अप्पा, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे मुत्तू बेटा, बुरे धंधे छोड़ दे, अच्छा इंसान बनने का। अयो नहीं, कौन बने इंसान? वादा कर तू दूसरों को लटकाएगा नहीं, उल्टे जो जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे ना तो तू उनकी हेल्प करेगा। पा, वादा, वादा। नहीं नहीं ठीक है अप्पा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ ये बुरा दंड छोड़ के अच्छा इंसान बनने का। अप्पा, 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 अब क्यों थप्पड़ मारा अप्पा? ताकि तुझे अपना वादा याद रहे। सर, मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ, पर मुझे एक बार भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दी जो कि गैर कानूनी हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे डॉन मुथुस्वामी सुधर सका। इम्पॉसिबल, साहब सीधा चल सकता है लेकिन मुथुस्वामी सुधर जाए ये कभी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर बख्शे। सर, अपनी आँखें खुली रखो और घड़ी घड़ी मुझे रिपोर्ट करते रहो। आप भी कमाल की बात कर रहे हैं सर।
अगर हम घड़ी घड़ी आपको रिपोर्ट ही करते रहेंगे तो नजर कब रखेंगे सर? Shut up and do your duty. ओके सर. सर 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 मेरा वो इनाम. ये रहा तुम्हारी इंफॉर्मेशन का इनाम. जी सर 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 ज्यादा है लाओ. नहीं ठीक है. हाँ? ये क्या हो रहा मियां? उधर डॉम मुत्ता स्वामी ने सारे अपने जुए के अड्डे बंद कर दिए और तुम लोग इधर पत्ते खेल रहे हो? ये लो अपना अपना सूट. डॉन का कहना है कि आज से सब लोग सूट बूट पहनकर जेंटलमैन की तरह रहने का. गुंडागर्दी लफड़ा सब बंद करके वैसे भी एक महीना हो गया. आज कुछ स्पेशल है क्या? बहुत स्पेशल है. आज से अपना डॉन नए धंधे में कदम रख रहा है. मुत्तू स्वामी अपना सारा पैसा हमारी चिटफंड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गया है. सर हमने अभी तक पब्लिक का काफी पैसा हड़पा है, लेकिन अगर मुत्तू स्वामी का पैसा हड़पा तो वो क्या हमें ऐसे ही छोड़ देगा? अरे छोड़ने का सवाल तो तब पैदा होता है जब वो हमें पकड़ पाएगा. अरे हम लोग कल यहाँ नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में होंगे, मुत्तू स्वामी के पैसे पर ऐश कर रहे होंगे. बहुत ऐश कर लिया मुत्तू ने हमारा सलीम लंगड़े का माल लूट लूट कर. अभी अपन उसको छोड़ेगा नहीं, उसको सबक सिखा के रहेगा अपन. देख लेना बॉस, आज मुत्तू स्वामी का वो बहुत बड़ा डील होने वाला है. किसके साथ? रात को नहीं दिन में होने वाला है. अरे रात नहीं साथ साथ. किसके साथ? हाँ वो बहुत बड़ा पार्टी है, लगता है फॉरेन से आया है. अच्छा नजर रखना, जैसे ही पार्टी आ जाए तो इन्फॉर्म करने का. आपको बॉम्ब करने का? क्यों? अरे बॉम्ब नहीं इन्फॉर्म करने का, खबर देने का. हाँ दे, 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 देंगा ना खबर देंगा, लेकिन अपन को भी कुछ देना मांगते है ना. 100 रुपए दे दे. जी बस बाकी काम हो जाने के बाद. किसका नाम हो जाने के बाद? तेरी. तो मैं जाता कि नहीं? जाता हूँ. आज हम बहुत खुश रहे लता, बहुत खुश. आज से हम डॉन मुत्तुस्वामी नहीं सर मुत्तुस्वामी. अच्छा लगेगा सुनकर. ये प्रॉमिस चिट फंड वाला मेरे को प्रॉमिस करते हैं कि उसकी कंपनी का हेड बनाएंगे. हम अपना सारा पैसा उस कंपनी में डाल के आराम से चेयरमैन की कुर्सी में बैठ के सर मुत्तुस्वामी बन के हंसे गिरे. स्वामी तुम्हारे अप्पा मरते मरते तुम्हें अच्छी राह दिखा गए है ना? हाँ, अब बस एक चिंता रहा. वो क्या? हमारी बेटी का बड़ी हो गई है, अब एक अच्छा सा लड़का देख के संजना की शादी करने का बस. ए संजना 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 संजना, ये तेरे लिए बहुत अच्छा राजकुमार ढूंढा रहे. राजकुमार? हाँ, कौन है वो? ये वरदान का बेटा प्रधान. प्रधान, मैं उसे हर की शादी नहीं करूंगी. अयो क्यों? काला है. अरे ये साबुन ला के मेरी तरह हो जाएगी, देख मेरी तरह. गुंडा दिखते गुंडा. अरे उसको पैंट शर्ट टाइप पहना के जेंटलमैन बना देगी. बिल्कुल गधा है. अरे तो क्या हुआ गधा रे, सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का बेटा है. तो आप मुझे एक सोने के पिंजरे से निकालकर दूसरे सोने के पिंजरे में कैद करेंगे? आपने ये भी नहीं सोचा कि पुलिस की एक गोली चलेगी और मैं विधवा हो जाऊंगी? I hate white sarees, I don't want to be विधवा. मैं जिधर बोलेगी तो उधर शादी करेगी. नहीं करूंगी. इसको समझा रहे हैं, मेरा कोबरी घुमा क्या होगा मालूम ना? ओके ओके अब जाइए. तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, शांति रख. देख मैं अपनी ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, मैं चलती हूँ. बाय बाय मम्मी. डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई नया लीडिंग मैन आ जाएगा. नमस्कार नूरा जी. नमस्कार मियां जयकिशन मास्टर जी. भाई क्या बात है, आज तो आप सूट बूट में कमाल लग रहे हैं. क्या बताएं मियां, जमाना ही भाव खाने का है, इसलिए हमने सोचा हम भी जरा भाव खा लें. आप प्रा खा गए? हाँ कसम खुदा की हमने सुबह से कुछ नहीं खाया. हाँ, आप प्रभाव का प्रा खा गए. क्या है भाव? सही शब्द नहीं है. हाँ, सही शब्द है प्रभाव. हाँ, असर. हाँ, इम्प्रेशन. हाँ, देखिए ये भाव है और ये प्रभाव है. हाँ, और प्रभाव भाव के निकट नहीं आ सकता, वैसे ही भाव भी प्रभाव के निकट. तो पढ़ना हमको नहीं है,
पढ़ना डॉन को है। आओ मास्टर आओ आओ, आज हमारा बहुत बड़ा मीटिंग है, मुझे कैसे बोलना तुमसे सीखना है। तुम गार्डन में बैठो, मैं आता। जी बिरू को बुला रहा मुत्तु स्वामी जी को हिंदी और उर्दू सिखाने आता हूँ। नाम है पंडित जयकिशन शास्त्री। टीचर हो? वैसे तो मैं संगीत का पुजारी हूँ, आया था फिल्मों में गाना गाने, पर उसका मौका नहीं मिला, तो जो मिला वही करने लगा। अच्छा, अच्छा। आप शायद मुत्तु स्वामी जी की पुत्री हैं? पुत्री? आई मीन डॉटर। प्यारी प्यारी बेटी? प्यारी प्यारी बेटी नहीं, प्रिजनर हूँ मैं, और मुत्तु स्वामी मेरे पापा नहीं, जेलर है वो, जेलर। जेलर? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि पापा मेरी शादी अंडरवर्ल्ड किंग के बेटे के साथ करना चाहते हैं। क्या? हाँ। कोई मेरे जैसा शरीफ लड़का नहीं मिला क्या? ये तो बहुत गलत बात है। बैड, वेरी वेरी बैड। हाँ। आप क्या चाहती हैं? मैं? हाँ। मैं चाहती हूँ खुली हवाओं में पंछियों की तरह उड़ना, बादलों पर बने इंद्रधनुष पर झूलना, पेड़ों की टहनियों पर बैठकर बुलबुल की तरह चहचहाना, झरनों में नहाना, नदियों में तैरना, तैरते तैरते गुनगुनाना और गुनगुनाते गुनगुनाते गाना। वाह वाह। हाँ। आप तो मन से भी उतनी ही सुंदर हैं जितनी तन से। आपकी बातें सुनकर तो मेरे अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के क्या संगीत के सातों सुर बजने लगे हैं। आप पहले वो इंसान है जिसने मुझे कुछ कुछ समझा है। सच? मुझ मास्टर अप्पा, कुछ भी हो जाए मैं उस वरदान के बेटे प्रधान से शादी कभी नहीं करूंगी। ये हमारा बैटी एकदम हमारी तरह रहे। नो डाउट। आओ मास्टर, आज हमको बहुत बड़ा बड़ा आदमी मिलने को आने का, तो मेरे को सिखाओ उसके साथ कैसे बात करने का। जी सर। या मेरे को बोलने का ये बैठ रहे है, कैसे बोलने का? हाँ, आप बोलिए, सज्जनो पधारिए। पधारिए? या तुम कैसे गंदा गंदा बात करते रहे? गंदा बात? गंदा बात नहीं सर। अच्छा आप बोलिए, मेहरबानी करके आप हजरात तशरीफ रखिए। ये रखने का नहीं रे, बैठने को बोलने का। अब बैठने के लिए तशरीफ रखना ही कहते हैं सर। ये तशरीफ क्या चीज? तशरीफ सर चीज 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 नहीं सर, वो तशरीफ। ओ तशरीफ? आयो आयो। पुरंजिते पुरंजिते कुंडी कुंडी कुंडी। ये तशरीफ याद करने के लिए कुंडी याद रखने के लिए। ये कुंडी तशरीफ तशरीफ कहां पर? ठीक है, बैठने के लिए कुंडी कुंडी कुंडी। अरे यार, जब देखो झटके खाती रहती। मैं देख रहा हूँ कि एक कार आकर रुकी। सर जी, एक कार आकर रुकी है। उसमें से एक जवान लड़का बाहर निकला। सर जी, सिर्फ जवान है या खूबसूरत भी? तुमको से शादी करनी है इडियट? सर जी, आपको कैसे पता? यू आर फैंटास्टिक। आई नो इट। आ रहा हूँ मियां, आ रहा हूँ। अरे भास्कर, क्या है? ये डॉन के ऑफिस का टाइपराइटर नहीं है, उनके घर का घंटा है, प्यार से ठोकने का। अच्छे कपड़े पहन लिए लेकिन जबान वही की वही, घटिया। काम की बात करो। मुझे मिस्टर मुत्तुस्वामी से मिलना है अर्जेंट। नहीं मिल सकते। क्या लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना है, आप डॉन के ऑफिस का मैनेजर है मिस्टर प्रीतम। एग्जैक्टली, और मिस्टर स्वामी से मिलना बहुत जरूरी है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा हूँ। हाँ मास्टर, स्टार्ट तशरीफ रखने का। जी तुमको बेटर है। आपने कहा ना कि तशरीफ रखने का, मैंने तशरीफ रख दी। तशरीफ उठा। और तुम और तुम्हारा ये तशरीफ, दोनों यहाँ से निकलो, अपन का डॉन पढ़ाई कर रहा है। तेरे को कितनी बार बोला डॉन नहीं बोलने का, सर बोलने का। सर बोलने का। हाँ सर,
आपसे मिलना आपका मैनेजर प्रीतम आया है। हम बहुत बिजी है सर। वो कह रहा है कि जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ है। जो जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा हो उसका हेल्प करेगा। सर आप ये भाग क्यों रहा है? या किसी को हेल्प करने के वास्ते है, भाग कर जाना। वेरी गुड मॉर्निंग सर। किधर लटका? मैं लटका? प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ओ प्रॉब्लम तो है सर, दरअसल लेकिन मैं आपके साथ जरा प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ सर। ये सब मेरा प्राइवेट है। ये प्राइवेट नूरा, ये प्राइवेट वीरो, एकदम अंधे बुद्धि इल्ले। सर फरमा बजाता। ये उर्दू रे बाजा फरमाता, मतलब तो सेम टू सेम है ना। अयो ये तुम दोनों मास्टर जाके से उर्दू सीखना। नाश्ता ला रहे? इडली नारियल चटनी सांभर। हाँ आज हम अपना नाश्ता तुम्हारे साथ नोश फरमाएंगे। नोच कर क्यों खाएंगे सर, नाश्ता तो आप ही का। उर्दू रे उर्दू, नोश फरमाएगा। ओ वाह 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 सर, आपकी तरह आपकी उर्दू भी कमाल है। अब थोड़ा ठोकना शुरू किया, एक बार जबान साफ हो जाएगी तब देखना मैं बहुत उर्दू ठोकेंगे। ये उर्दू बहुत मीठी जबान रहे जी। ये पास में हमारा काम बहुत डेंजर था ना। पता है सर, इसलिए जमन गड़ग हो गया। चलो तशरीफ रखने का। जी तशरीफ? ये तशरीफ रे, तशरीफ रखने का। यू मीन सर? बोलो। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मेरी पगार बढ़ा दीजिए सर। क्या डॉन, ये खुद का पगार बढ़ाने के लिए बोल रहा है? ये तेरे को मैं बहरा लगती? ये तुम्हारी कोबड़ी में उल्लू ने अंडा दिया क्या? नहीं तो फिर तुम ऐसे सोचा कैसे? सर क्योंकि मुझे प्यार हो गया है इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। टाटा करता है। यस डॉन। सॉरी डॉन। अयो ये तेरा मुंह का आदत वाला डॉन, पेट में कब जागी रे? इडली रेडी डॉन। सॉरी डॉन। अयो सॉरी। ये प्रीतम जी, ये नाश्ते के टेबल में जी हम तुम्हारे साथ गुप्त, ये गुप्त के बाद क्या, गुप्त के बाद गु नाश्ता करते हुए करेगी। चलो जी। ये हमारा मुर्गा का हम पर बहुत कृपा रहे जी। अच्छा घर दिया, अच्छा वाइफ दिया और बहुत अच्छी बेटी भी दी है सर। ये तुम प्यार का बात बोलती है, ये चौकरी कौन रहे? छोकरी नहीं है, लड़की है सर, बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके पिताजी तो बहुत ही महान है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ सर। हमारा शुभकामना तुम दोनों के साथ। सर सिर्फ आपकी शुभकामनाओं से मेरा काम नहीं बनेगा, अगर आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई ना तो मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। और सर देखिए वो अपने माँ बाप के साथ बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीती है, मैं उसे ये सब कैसे दे पाऊंगा? तो लड़के को भूल गया क्या? क्या ये बड़े बाप की लड़की ना आगे जाके बहुत नखरा दिखाएगी? अरे नहीं सर, वो बिल्कुल नाज नखरे वाली लड़की नहीं है, इनफैक्ट वो तो बहुत ही सिंपल सीधी साधी सरल लड़की है, डाउन टू अर्थ। कितना पगार मिलता है? नहीं के बराबर, सिर्फ 5,000 रुपया महीना। बहुत है, कितना मांगता है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कम से कम 20,000 रुपए तो चाहिए ना। सर रिलैक्स रिलैक्स, आप आराम से नाश्ता नोच लीजिए फिर सोच लीजिए। सोच लिया रहा है तू जा। क्या सर आप तो कुछ समझते ही नहीं है, क्या आप जानते हैं कि आज के जमाने में अगर एक लड़का लड़की शादी करके घर बसाना चाहे तो 20,000 भी बहुत कम होते हैं। होता है लेकिन हम तेरे को नहीं देंगे, तू दूसरा नौकरी ढूंढ रहा है। सोच लीजिए, मदनपुरा वाले सलीम लंगड़े का मैनेजर ऑफ हो गया, उसने मुझे खुला ऑफर दिया 20,000 रुपीज अ मंथ। ये अगर उसके पास चला गया ना तो अपने धंधे का सारा पोल उसके सामने खोल देगा। ये फर्स्ट टाइम तू अकल की बात करती है। जा रहे, तेरे को मैं 15,000 दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं सीना तान कर गर्व से सबके सामने कह सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ सर। क्या बोला जी? मुझे आप ही की बेटी से प्यार है। सर तू मेरी बेटी के चक्कर में मेरे साथ गेम खेलती है? मुझे तेरे को मार चाहेगी रे। ये काम तो अपन का है डॉन। यो तू रिवॉल्वर क्यों निकला? अपन को हमेशा का आदत है ना। अयो सर ये आदत बदल रहे है, मैं चिट फंड का चेयरमैन बनने वाला हूँ, तू दादागिरी करते। सॉरी हमको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। नहीं सर कोई बात नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती तो मेरी है। आप बैठिए ना, आप बैठिए आराम से प्लीज। शांति, मुझे इस तरह एक बाप से उसकी बेटी का हाथ। ये 15,000 औकात वाला तू समझता क्या रे? हमारी बेटी के लिए लखपति क्या करोड़पति चाहिए, समझा?
मिलेगा सर, करोड़पति ही मिलेगा। ये मेरा कोपड़ी गरम कर दिया रे। अनुरा। यस बॉस। नारियल पानी ला रहे। तुम एक मामूली सा हमारा अकाउंटेंट, ये पैसे के लिए हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं? नहीं मिस्टर स्वामी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने पैसों के लिए आपकी बेटी से प्यार नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो सोचा है कि शादी के बाद अपनी सारी दौलत में उसे दे दूंगा। दौलत? ये 5,000 रुपया कमाने वाला रस्क करे, ये तेरे पास कितना होगा रे? सर एक्सक्यूज मी, सर आज की डेट में मेरे पास 1,86,75,155 नया पैसा ओनली है। ये तू कैसे कमाया रे? सर अब तो हमारा रिश्ता होने वाला है, अब आपको बताने में कैसा डर है ना? ये सारा पैसा मैंने आप ही से चोरी किया है सर। अयो, ये हमसे चोरी किया? तेरी तो। अरे तेरे को कितनी बार बताया कि तू अभी गैंगस्टर नहीं, बटलर है, बटलर। बटलर, बटलर, चुप रहे। अब बता, तूने चोरी कैसे किया? बताता हूँ सर, एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही सिंपल था। हर साल आपके कम से कम 10 स्मगलिंग के कंसाइनमेंट आते, जिसमें से हर बार दो एक पुलिस पकड़ लेती थी। लेकिन सर एक साल ऐसा भी था जब 100 कंसाइनमेंट पुलिस की नजरों से बच के पार हो गए थे। बस उसके बाद क्या, दो महीने मार लिए। तू कितना बड़ा रास्कल रे, कितना बड़ा रास्कल। अरे नहीं सर, इससे आपका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, उल्टा मेरा फायदा हो गया। जो पैसा पुलिस ले जाती वो मैं खा गया। लड़का कमाल है सर, पुलिस कमाल ये खा गया। ये पुलिस का नहीं दे, मेरा पैसा है, मेरा। क्या फर्क पड़ता है पैसा आपका था या मेरा, बात तो एक ही है ना। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं, बाद में मैंने रियलाइज भी किया था कि आप जैसे भले इंसान के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पैसा लौटाने के इरादे से मैं आपके घर पर भी आया था। लेकिन उन दिनों आप घर पे थे नहीं, शायद दुबई गए थे सर। दुबई कब? सर दुबई वैलेंटाइंस डे। तू दांत बंद कर, दांत बंद कर। वैलेंटाइंस डे कितना अच्छा दिन था, कितना लकी था मेरे लिए। उस दिन पहली बार आपकी डॉटर से मेरी मुलाकात हुई थी, और पहली नजर में हम एक दूसरे से प्यार हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि पैसा लौटाऊं या ना लौटाऊं क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, फिर हनीमून के लिए उसे दुनिया भर की सैर कराऊंगा, उसे ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा, हम दोनों मौज मस्ती करेंगे। अकल से काम लीजिए डॉन। ये साला रास्कल है, मेरा पैसा लेकर मेरी बेटी से मस्ती करेगी। डॉन आज आपकी पहली मीटिंग है, गुस्सा कंट्रोल कीजिए डॉन। इसको तो बाद में भी देख लेंगे। हाँ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लगता है आपको आज किसी और बात की टेंशन है, मैं ही गलत वक्त पे आ गया। तू बहुत लकी रे रस्कल, तू बहुत लकी रे। ये बात तू पहले बोलते है, तू यहाँ से वापस नहीं जाते। मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता। लगता है वाकई बहुत गुस्से में। देखिए आप ठंडे दिमाग से आराम से सोच लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं चलता हूँ। वैसे मैं आपकी बेटी को भगा के भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन हमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। पहले मेरी बेटी से पूछना होगा। ऑफ कोर्स, लेकिन जरा प्यार से पूछेगा डैडी। डैडी, डैडी नहीं बोलने का, डॉन बोलने का। डॉन भी नहीं बोलने का, डॉन भी नहीं बोलने का। सॉरी डॉन। अयो मुर्गा, डैडी ने, डैडी ने। अरे क्या रे साहब, आपसे बात कर सकते? मेरे पास टाइम नहीं है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। संजना, भूल कोई हम संजना हो जाए। संजना अब्बा, प्यार का नाटक तुम कब शुरू किया? प्यार का नाटक? वाओ, प्यार मोहब्बत, ये प्यार मोहब्बत के लिए तुम्हारा ये एज नहीं है। अब्बा अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। रात नशीली मस्त समा है। अब हम समझा तुम बिगड़ा क्यों? तुम ये गंदा गंदा गाना सुनती है? आज के बाद तुम ये गंदा गंदा गाना नहीं सुनोगी। मैं गाना सुनूंगी, सुनूंगी, सुनूंगी। नहीं सुनोगी? सुनूंगी। मामे, चुप रहे, चुप रहे। अभी मैं प्रधान के बेटा से तेरी शादी करके आए, तेरे को घर से जल्दी से निकालेंगे। मैं शादी नहीं करूंगी। वो टेलर भाई लोग आपका सूट लेके आए। वीरो, तुमको इधर ही बैठने का
और संजना को किधर भी नहीं जाने देने का, ठीक है? ओके डॉन। डॉन नहीं बोलने का रे, सर बोलने का सर। सॉरी डॉन। आप कौन? आप कौन? ये इंडिया का ओनली डॉन है जो स्कर्ट पहनता है। चल रे, हमारा कोट पहने दिखा। मिस्टर स्वामी, ये मामूली कोट पैंट नहीं है, इट्स अ फिशी। फिशी? तुम दोनों मच्छी का काम करते हो? नो मच्छी, इट्स अ फिशी। आई विल एक्सप्लेन। देखिए, मेरा नाम है फिकर चंद कपड़ा सिलानी, इसका नाम है शिखर चंद कपड़ा सिलानी, फिशी हो गया ना, फिशी। अयो अयो बाबे, फिशी अभी समझा? अभी ये फीसी छोड़ा, हमारा सूट दिखाओ। मामूली सूट नहीं है, फीसी। बड़ा रहा। मम्मी, हमारा सूट दिखाओ, बहुत टाइम लिया बनाने का। अभी ताजमहल बनाने में भी कितना टाइम लगा था ना सर जी। हाँ, वैसे ताजमहल नहीं है पर किसी शाहकार से कम नहीं, नहीं है। इसको आप पहनोगे तो आप फील करोगे कि क्या कुछ पहना ही नहीं है। हमको नंगा नहीं दिखाने का रे, हमको अच्छा पढ़ा लिखा दिखाना मांगता है। तो सर जी अच्छे लगेंगे ना? लगेगा लगेगा। आओ, वायु कॉलेज नंगा है। इन कॉलेज नंगा ही उन्हीं से नंगा ना, इतना बड़ा डॉन हम दोनों को नंगा कर देगा। बड़ा चल, अभी टाइम खराब मत कर। अरे पापा, अरे पापा, इतना सारा बुक्स। ये किताब छापने का धंधा करता है क्या? अरे छापने का नहीं रहा, थोड़ा दिखाने का। ओह, यू मीन इंप्रेशन, शो ऑफ। हां ठीक है, चल अब सूट दिखा। उससे पहले हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। क्या? शिखर चंद बिंदास दिखाओ। दिखा दूं? ले दिखाता है। ये देखो बाबा, ये देखो। अयो, अचान कौन? ये तो मुर्दा का फोटो। मुर्दा? ये तो गैंगस्टर माइकल का फोटो है। यस करेक्ट, इसने हमारा बनाया हुआ सूट पहना है। जब पुलिस ने इसको गोली मारी ना, तो इसने हमारा ही सूट पहना हुआ था। नी लकी फेलो, हमारा सूट पहना करके न्यूज़पेपर के कवर पेज पे इसका फोटो छापा, और इसके साथ साथ हम दोनों भी मशहूर हो गए। अब सूट दिखा, हम पहन के देखना मांगते कि हम चेयरमैन लगते कि नहीं। वो तो लगेगा ना, लुंगी उतारो। तो तुम मुत्तु स्वामी जी की बेटी से प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। और वो? वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं। सच? सच। तब तो तुम बहुत लकी हो यार। उसके क्या गुलाबी गाल है, खटाऊं जैसे काले बाल है, उसकी झील से गहरी आंखों का रंग शरबती। एक्सक्यूज मी, ये क्या आपने शरबती, अगरबत्ती, मोमबत्ती लगा रखा है? तुम नहीं समझोगे, बस यूं समझ लो कि वो कुल मिलाकर बड़ी हसीन और पुरशबाब है। व्हाट? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को शराब कह रहे हो? हाँ, शराब नहीं, शबाब। शबाब, जवानी की खूबसूरती से भरी हुई। दोस्त, तुम कैसे भी उससे शादी करके उसे इस सोने के पिंजरे से आजादी दिला दो। प्रोफेसर, यही करने के लिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ। वेरी गुड, मुझसे तुम्हारी जो भी मदद होगी मैं करूँगा। थैंक यू। क्योंकि उसने मेरा दिल छू लिया है। जी? बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है वो, आसमान में उड़ने की, बादलों में लटकने की, बादल झरनों में नहाने की। कमाल है, मुझसे तो कहती है कि खिड़की से बाहर झांकना भी उसे अच्छा नहीं लगता। वो बहुत समझदार है, इंसान देखकर बात करती है। मतलब? काश, काश। काश क्या? काश तुम मुझसे प्यार ना करते होते तो मैं। तो मैं क्या? तो मैं तुमसे ये कहता कि दोस्त तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि उसकी जुबान बहुत साफ है। तुमने उसका मुंह खोल के देखा है क्या? हाँ, जुबान साफ मतलब तलफ्फुज सही है उसका। व्हाट? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। मैं क्या करूं बरखा, मैं क्या करूं? मैं किसी भी हाल में उस प्रधान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। कह दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैंने एक हिंदी फिल्म में देखा था, हीरोइन अपने बाप से झूठ ही कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है। कैसे कह दूं? क्यों? मैंने तो गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की है, और अपा के बॉडीगार्ड्स, गैंगस्टर्स और ड्राइवर्स के अलावा तो मैं किसी मर्द को जानती तक नहीं हूँ। तो कह दो ड्राइवर से प्यार करती हो। माइकल? अपा तो उसे साइकिल बना के छोड़ गया। ये माइकल नहीं, वो पुराने वाला था ना, रहमान। रहमान? तो अपा उसे भी ढूंढ कर मार डालेंगे। कैसे मार डालेंगे, वो तो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान? पाकिस्तान? हाँ, माइंड ब्लोइंग। यस यस,
अब तो वरदान का बेटा प्रधान भी खुद मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर देगा। लगता है पहली ये थोड़ा टाइट है। हाँ तो ये दो चार दिन पहनेगा तो लूज हो जाएगा ना। ये थोड़ा लूज है देख। हाँ दो चार दिन पहनेगा तो टाइट हो जाएगा। जल्दी आओ साहब, किधर हो साहब? अरे क्या ये तो चिल्लाते क्यों रहे? आपकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लटकी है साहब। अयो अयो तुम लोग मेरा सुई टच कर दो रे। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे कंधे पर चढ़कर उसकी बालकनी में झांक कर देखता हूँ, ना जाने मासूम सी लड़की किस हाल में होगी। मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के देखता हूँ कि बेचारी मासूम सी लड़की किस हाल में होगी। आओ। मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है या तुमने मेरी? हाँ वादा तो तुम्हें किया है लेकिन तो चढ़ना मुझे चाहिए। चलो झुको। एक मिनट यार, तुम्हारी ये मदद करने का लॉजिक मेरी कुछ समझ में नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरी मदद कर दो और मैं शादी कर लेता हूँ। अच्छा चढ़ जाओ। अरे अरे नहीं तुम चढ़ जाओ। अरे नहीं यार, मैं झुक जाता हूँ। ये हुई ना बात। एक मिनट अभी भी तुम्हारी मदद करने की लॉजिक मेरी कुछ समझ में नहीं आई। वो तो फिर भी चलो। अब तेरा क्या प्रॉब्लम है? अपा मैं ये मैं क्या? अपा आप मुझे मुरुगन टेंपल या तिरुपति भेज दीजिए। क्यों, तेरे को सन्यास बनने का? बनना पड़ेगा अपा। अरे तू इतना बुड्ढा नहीं रहा है। अपा वहाँ सिर्फ बुढ़िया नहीं, वो जवान लड़कियाँ भी जाती है जो शादी से पहले माँ बनने वाली होती है। अयो अयो मास्टर क्या हुआ? अयो क्या हुआ? क्या है, हम तेरे से ले लिया था ना। ये एक्स्ट्रा है। रख इधर, रख रख। अयो और कुछ है? निकाल। कुछ नहीं अपन के पास, अपन तो सिर्फ शर्ट इन कर रहा था, बस इतना ही अपन के पास। ये तेरा बस? तू जा रहे या मेरे को बहुत टेंशन, तू जा रहे? प्रेग्नेंट? लेकिन मैंने तो उसे सिर्फ गले लगाया यार। बस गले लगाया और दो चार बार किस भी किया है। उसके बाद अरे उसके बाद कुछ नहीं किया मेरे बाप। तो आपा मैं तिरुपति जाने की तैयारी कर लूं? मरने को तैयारी कर रहे हैं? पहले हम उसको मारेगी जो तेरे को प्रेग्नेंट किया, फिर तेरे को मारेगी, फिर खुद को मारेगी। हमारा पूरा कंधन का तू नाक कटती रहे। यार एक लड़की को गले लगाकर सिर्फ उसे किस करने से वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? भाई साहब हो सकती नहीं, हो गई। तू हमको हमारे प्यार का क्या एक्सचेंज दिया रे? अब हम क्या करेंगे? कितना बड़ा राज खेल रहे, कितना ब्यूटीफुल प्लानिंग है। पहले मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया, मेरा माल चोरी किया। किधर है वो प्रजम का बच्चा?
देखो मिस्टर स्वामी कितना कितना चीख रहे हैं। हाँ यार आज तो ये मुतो मेरी, अब मैं क्या करूं? जाओ तुम वहां जाके छुप जाओ, मैं उनको शांत करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जाओ जाओ। वीरू नूरा ए वीरू यस डॉन यस डॉन यस डॉन वो चोर किधर है? कौन चोर? वो प्रीतम चोपड़ा किधर है? कौन प्रीतम चोपड़ा? अरे वो जो मेरी बेटी से प्यार करती है। कौन, चोर या प्रीतम चोपड़ा? दोनों। ऐसा दो आदमी तो इधर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? अयो टर्न रे टर्न रे मुत्तू जी फिर से। मुत्तू जी मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। बहुत ही टेंशन में रहे। उसी टेंशन के बारे में बात करनी। यह प्रीतम चोपड़ा किधर है बोल? प्रीतम आपको मिल जाएगा। किधर है? मैंने उसे छुपा दिया है। छुपा दिया? मुत्तू जी आप इस तरह दो प्यार करने वालों पर जुल्म नहीं कर सकते। हम किस पर जुल्म किया? अपनी बेटी पर। अरे कितनी भोली है वो, कितनी मासूम है, उड़ना चाहती है, चहकना चाहती है, और आपने उसे कैद किया हुआ है? ये डाड़ा पैती करा, वो हमारा बेटी है, हम जो चाहे करेगी, तेरे को क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो तुझी मैं ये सन्ना बर्दाश्त कर लूंगा कि आप उसकी शादी प्रीतम से कर दें, मगर मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसकी शादी उस प्रधान से कर दें आप। मैं देखता। अरे ये मैं प्रीतम से शादी का बात करने के लिए बुलाते हैं, उसे मानने के लिए नहीं। हाँ। जा बुला के ला। जा, हाँ। जा। अब ये कौन सा मुसीबत है? मुसीबत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। एक खूबसूरत लड़की आपसे मिलने को आई है। मेरे पास टाइम नहीं, जाने को बोल, जाने को बोल। अरे वो कह रही है कि वो समझा जिंदगी और मौत के बीच में लड़की। हाउ अयो आने को बोल। आओ मिया आओ 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 आओ, 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 आओ ये सर मेरा नाम रंजना है, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। ठीक है हम ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। बोलो अम्मा तुम किधर लटका है? जी जिंदगी में लटका कि मौत में लटका? सर मुझसे एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई है। क्या किया? मैंने प्रीतम चोपड़ा से प्यार किया है। ये बेवा या प्रीतम चोपड़ा से प्यार करके तुम बहुत गलत करते है। वो अभी मेरे को बोला कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहती है। मतलब प्रीतम ने आपसे कह दिया कि? हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम यंग हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, तुमको बहुत अच्छा अच्छा लड़का मिलेगा। नहीं सर आप बात समझे नहीं, असल में मैंने प्रीतम से झूठ बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या वो आपसे मेरे साथ अपनी शादी की बात करने आया था? अयो अयो इसका मतलब वो हमारी बेटी संजना को मिला ही नहीं। अरे वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। अयो अगर वो मेरी बेटी को मिला ही नहीं तो उसके बच्चे का बाप कौन रे? बाप कौन? मास्टर मेरी बात का यकीन करो, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? तुम जवान नहीं हो। हूँ। मर्द नहीं हो? हूँ यार। तो फिर मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे बच्चा पैदा हो जाए, समझो ना यार। ये कौन सा प्लान था कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलते? कोई प्लान नहीं था सर, बचपन से ही मेरे सर पर बाप का साया नहीं रहा है, मुझे तो अपने पिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। एक दिन प्रीतम ने मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछा, मैं सोच ही रही थी कि क्या बोलूं, तब मेरी नजर एक अखबार पर पड़ी, उस पर आपकी तस्वीर और नाम लिखा हुआ था। कुछ नहीं सोचा और आपका नाम कह दिया। मैं आपकी बेटी हूँ ये जानकर प्रीतम बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी के खातिर उसे आज तक मैं सच नहीं बता सकी। वेरी गुड स्टोरी जी, वेरी गुड स्टोरी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि आप कोई गैंगस्टर हैं। है नहीं था, वो मेरा पास्ट है, पास्ट। और प्रीतम आपके लिए काम करता है? वो मेरे लिए कम और अपने लिए ज्यादा कम करते। मैं प्रीतम से बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती हूँ, क्या आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ? वो रस्केल बोलते है उसका सारा पैसा मेरी बेटी को दे देगी। आयो आयो आइडिया रे आइडिया। क्या? ठीक है मैं बोलेगी तू मेरी बेटी है लेकिन तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगी। क्यों नहीं कुछ भी। ठीक है मैं जब तक नहीं बोलती तू इधर ही बैठेगी। ठीक है जी। प्रॉमिस प्रॉमिस। तारा का नामा वीरो वीरो अभी से इस दरवाजे पे नजर रखने का, हमारी बेटी बांडा निकल जाए। आपकी बेटी संजना इस कमरे में? अयो संजना नहीं रे रंजना। ये रंजना कब पैदा हुई? आज।
मैडम तो घर पे है नहीं, फिर ये रंजना कैसे पैदा हुई? सर वी आर कब से स्लीपिंग फॉर वेटिंग फॉर यू। मैं थोड़ा दूसरा चक्कर में फंस गया। कौन सा? hey, चल। स्वामी 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 अरे तेरे को क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? तुम्हारा ड्राइवर माइकल, उसे तो साइकिल भी नहीं देना चाहिए चलाने के लिए। अरे क्या हुआ रहा है? अरे पुलिस का सायरन सुनते ही गाड़ी भगाने लगता है। आज जैसे उसने पुलिस की जीप देखी, गाड़ी ऐसे भगाने लगा जैसे गाड़ी में स्मगलिंग का सोना रखा हो। कभी गाड़ी इधर ठोका, कभी उधर ठोका। अरे वो ठोकने का आदत उसका पुराना रहे, जब मैं डंडता या धीरे धीरे जाएगा। रहमान, रहमान बहुत अच्छा ड्राइवर था। आप कहीं से भी रहमान को ढूंढ के लाइए। अब तुम रहमान रहमान मत करो, अब तुम भगवान भगवान करो जी। क्यों, क्या हुआ? अयो मुर्गा संजना, ओह मेरी प्यारी बच्ची, मुझे अभी अभी तुम्हारे पापा ने बताया। हा? बेटी ये सब कैसे? I'm sorry, mommy. Oh, no, no, my sweet child, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अयो ना पापे, ये हमारे कानन का ना करते और तुम बोलती इसमें इसका कोई गलती नहीं। ये सब इनकी गलती है। अयो हमारा गलती? हाँ, तुमने हमारी मासूम सी बच्ची को पोपट की तरह पिंजरे में बंद करके पाला है। वेरी गुड रे। और ये हमारे इज्जत का पोपट करती, उसका क्या? कौन सी इज्जत की बात करते हो तुम? इस घर को तो तुमने गुंडे मवालियों का अड्डा बनाकर रखा हुआ है। वो हमारा पास्ता है, अब हम बहुत चेंज हो गया। बेटा वो कौन था जिसने वो हाँ रहमान? रहमान कौन? रहमान हमारा पुराना ड्राइवर। वो मामूली ड्राइवर? अयो अयो मुर्गा, अयो मुर्गा, मम्मी, अयो मुर्गा, ये क्या है? हाँ। ये हमारा पुराना ड्राइवर डायमंड किधर रहती है? वो तो कब का नौकरी छोड़कर चला गया। किधर भी रहती ना, अपने घर में रहता है। अयो ये घर किधर है? पता नहीं, अपुन जानता है सर। किधर है? कादर अली स्ट्रीट सुलेमान बिल्डिंग कमरा नंबर 220। अपना सारा चोकरा लोग को लेके जा और अभी का अभी उठा के ला। ये एड्रेस तो पाकिस्तान का है, हम लोग पाकिस्तान कैसे जाएंगे? अयो पाकिस्तान चले गए। अयो मुर्गा अब हम क्या करेंगे? किसी से मेरी बेटी की शादी तो करनी पड़ेगी। मुथु जी आइडिया, पहले हम इस चोर से अपना माल निकाल ले। जीवा आपने कहा था प्रीतम, प्रीतम हाजिर है। हमने सोच लिया, हम अपने बेटी की शादी है ये सब प्रीतम से करेगी। क्या? हाँ। थैंक यू सो मच। ये तुम थोड़ा गार्डन में बैठो जी, तब तक मैं इससे सिंगल में बात करती। अब क्या बता डैडी? आओ आओ। स्वामी मुझे तुमसे बात करनी है। अब हम बिजी रहे, बाद में बात करेंगे। आओ। आप मिसेस स्वामी है ना? हाँ तो। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी? जी। ये तुम नहीं जानती है, प्रीतम हमारा मैनेजर। हाँ मम्मी जी, और आपका होने वाला दामाद भी। दामाद? जी, मिस्टर स्वामी ने आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए मुझे परमिशन दे दी है। संजना से? संजना नहीं नहीं, रंजना है उसका नाम। ये संजना रंजना, हमारी दो बेटी ना, दो बेटी। रंजना? लेकिन हमारी तो एक ही बेटी है। अयो डार्लिंग तुम कन्फ्यूज क्यों होते, जाकर अपनी बेटी गिनो, जाओ आओ आओ, आओ। बैठो। थैंक यू सर। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि आपकी दो बेटियां हैं। मेरे को भी नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा, क्या? ये मेरे को भी नहीं मालूम था कि तुम उनमें से एक को प्यार कर दी। अब तो दोनों से ही प्यार करना पड़ेगा सर। अयो नहीं नहीं, मतलब एक को बीवी की तरह और दूसरी को साली की तरह। साली भी तो आधी घरवाली होती है ना सर। ये प्रीतम एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब कैसी प्रॉब्लम? ये हमारा वाइफ है ना। हाँ। ये बहुत डाउट करती है। क्या वो समझते है तुम पैसे का एकदम लालची है?
मैं? हाँ, पैसे के वास्ते तू हमारी बेटी संजना से शादी करना चाहती। संजना नहीं सर, रंजना से। अयो अयो, ये संजना रंजना में हम बहुत कन्फ्यूज होती रहे। सर सर सर, आप कन्फ्यूज मत होइए। आप मुझे बताइए कि मम्मी जी का शक दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तू मेरे को बोला था ना कि जो पैसा तू हमसे चोरी किया, शादी के बाद तू मेरी बेटी को दे देगी। ऑफ कोर्स दे देगी, दे देगा। तू एक काम कर, तू शादी से पहले एडवांस में एक चेक काट के हमको दे दे। ये औरत लोग का किटी पुटी खत्म करने का। सर, चेक देने में एक प्रॉब्लम है। क्यों? पेन में इंक नहीं? तू मेरा ले ले। नहीं नहीं, मेरे पेन में हमेशा इंक होता है, मैनेजर हूँ। सर, प्रॉब्लम ये है कि पैसे मैंने बैंक में नहीं डाले। वो बैंक वाले 10 सवाल पूछते हैं, पैसे कहाँ से लाए, कैसे लाए, वगैरह वगैरह। मैंने उन सारे पैसों से हीरे जवाहरात खरीद रखे हैं सर, पर्ल्स, एमराल्ड्स, डायमंड्स। अयो 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 अयो, यू आर वेरी दिमाग वाला रे, वेरी दिमाग वाला। थैंक यू डैडी। बेटा तू एक काम कर, वो ज्वेल्स है ना, ये शादी में अपनी वाइफ को देने का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तू आज ही मेरी बेटी को वो ज्वेल्स गिफ्ट कर दे। अरे आज क्या, अभी लेके आता हूँ, बस अभी गया और अभी आया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस सन इन लॉ। थैंक यू डैडी, चलता हूँ। ये तेरे को गार्ड करने के लिए मैं अपना चोकरा लोग तेरे साथ भेजे। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कौन लूट लेगा डैडी। तू खुद ही डाकू रे। कुछ नहीं, हम इंतजार करेंगे बेटा। मेरे को टोपी पहनाती है, अब देख मैं तेरे को कैसे टोपी पहनाएगी। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। स्टॉप, अब तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। टाइम नहीं रहे। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे वरदान जी के घर जाना है। वरदान का नौकरी करने? वरदान जी की बहू और प्रधान जी की बीवी। वरदान की बीवी? हाँ। लेकिन उसने तो मेरी बेटी संजना से शादी करने का वादा कर दिया। उन्होंने संजना जी को देखा जरूर था, लेकिन दिल हमारे साथ लगा बैठे। अयो, अबे अबे, मैं तेरे को इस नौकरी से निकालेंगे। आप मेरे को नौकरी से क्या निकालोगे साहब, मैं तो खुद ही नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। रह जाएंगे, रह जाएंगे, पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ये मेरा किस्मत देख रहे, ये नौकरानी करोड़पति से शादी करने जाती है, पर हमारी बेटी एक ड्राइवर से फिटिंग करती। अयो मुर्गा, तुम अंधा है क्या, दिखता है तुमको बड़ा बड़ा। स्वामी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या, बोलो जी। संजना के बारे में। ये संजना कौन है? जा रहे हमारी बेटी जो करते है, उसके बाद क्या बात करने का जी? हमें कैसे भी करके रहमान को ढूंढना होगा। ये रहमान पाकिस्तान में, वो कब्रिस्तान जाती ना तो ये मुत्तस्वामी कब्र से निकल के लाती है, लेकिन पाकिस्तान से लाना बहुत कड़क कह रहे। लेकिन बच्चे को पिता तो चाहिए ही होगा ना। अरे उसका डैडी बाद में चाहिए, पहले उसका हस्बैंड चाहिए। हस्बैंड, 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 कहाँ मिलेगा ये हस्बैंड? वही जवान फिर जाकर वापस आया। जाकर वापस आया और साथ में कुछ लाया। क्या लेकर आया? हाथ में काला बैग। बैग में क्या है? ये दूरबीन है, एक्सरे मशीन नहीं है, यू अंडरस्टैंड? सर जी, मैं कितनी बेवकूफ हूँ और आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आई नो इट। स्वामी, उस लड़के का क्या हुआ जो हमारी बेटी से शादी करने की बात कर रहा था? वो संजना नहीं, वो हमारा दूसरा बेटी से शादी करना चाहते हैं। दूसरी कौन? जो संजना नहीं है। अब ऐसी कौन सी बेटी है जो संजना नहीं है? जो संजना नहीं है वो रंजना है। अब ये रंजना कहाँ से पैदा हो गई? अयो, आइए आइए आइए, ये मियाँ फिर आके टपका है, बैग में कुछ लाया है, कहता सिर्फ आपको देगा। स्वामी, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी ये दूसरी बेटी? अयो अयो अयो, हम बताई की रे, अब तुम जाओ। एक मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम जिंदगी और मौत के बीच में नहीं लटकाना, हम लटका है, अब तुम जाओ। ये औरत लोग कितना कन्फ्यूज करेगी रे। मम्मी जाओ। बेटा, डैडी, वादे के मुताबिक सारा माल लेके आया। बेटा बेटा, अयो मेरा बेटा, मेरा लाल। डैडी, मैं चलता हूँ। किधर जाते हैं? रंजना से मिलने, उसे खुशखबरी देने। रंजना कौन? अयो रे गदा, तुम मेरी बेटियों का नाम कैसे भूल जाते हैं? बेटियां? अगर मेरे पास टाइम होता ना, तेरे को अभी मैं टर्न कराती। आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं तेरे को मिलाती। अच्छा आओ आओ,
रंजना अजी से ये रंजना तुम्हारा तुम रंजना का हमारा शुभकामना तुम दोनों कुछ डैडी तो प्यार करने वालों को मिलाकर आज आपने प्यार पे बहुत बड़ा एहसान किया है थैंक यू 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 बाय रंजना ये वीरू हाँ अब मेरे इधर की बेटी को छोड़ के उधर की बेटी को देखने का पर इधर उधर पता नहीं डॉन की बेटियां किधर किधर रंजना मैं तुमसे एक बात पूछूं देखो बुरा मत मानना कैसी बात मैंने तो सिर्फ तुम्हें गले लगाया दो एक बार किस किया होगा बस फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई व्हाट आर यू मैड मिस्टर मुत्तुस्वामी इसी बात को लेकर तुमसे नाराज भी थे ना नहीं प्रीतम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सच बात तो ये है मिस्टर स्वामी मेरे पिता है ही नहीं व्हाट व्हाट वो तुम्हारे पिता नहीं है नहीं क्या उन्हें पता कि वो तुम्हारे पिता नहीं है हाँ पता है ओह आई सी मतलब उन्हें ये भी पता होगा कि तुम उनकी बेटी नहीं है ऑफ कोर्स प्रीतम देखो प्रीतम मैंने ये सब झूठ बोला था मुझे माफ कर दो आई एम सॉरी ओह माय गॉड इसका मतलब पुट्टे ने मुझे चीट किया है चीटर कॉक कमीना बात क्या है प्रीतम अरे मेरा सारा पैसा मेरे हाथ से निकल गया सारा पैसा ये तुम पैसा पैसा क्या कर रहे हो अरे तुम्हारे प्यार में मैंने धोखा खाया रंजना इस बुड्ढे ने मुझे धोखा कैसा धोखा लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपना माल वापस लेकर ही रहूंगा माल अरे पैसा मेरा पैसा यू मीन तुमने मुझसे पैसे के लिए प्यार किया प्लीज प्लीज रंजना रिलैक्स इस वक्त मुझे सोचने दो अच्छा हुआ वक्त से पहले तुम्हारी हकीकत खुल गई मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ समझे तुम अरे अब तुम कहाँ जा रही हो रंजना मेरी बात सुनो मेरी बात तो सुनो तुम मुझे गलत समझ रही हो अच्छा हुआ मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई डार्लिंग तुम ये अरे तुम कमरे में उसको परेशान कर रहे थे अरे तुम हटो यार डफर रंजना रंजना प्लीज रुक जाओ रंजना कम ऑन डोंट बी अ चाइल्ड रंजना मेरी बात तो सुनो रंजना रंजना सर जी आज डॉन के यहाँ कुछ ज्यादा ही भागदौड़ है आज डॉन मुत्थु स्वामी नहीं बचेगा आज मुत्थु स्वामी को मैं नहीं छोड़ूंगा अब हम कंपनी का एकदम चेयरमैन लग दी रहे अरे सर यही तो हमारा कमाल है पीछे के कपड़े पहन के जीरो भी हीरो बन जाता है क्या रहे हम तेरे को जीरो लगती नहीं नहीं उसका मतलब है कि फीशे के कपड़े पहनने के बाद गधा भी घोड़े की रेस में दौड़ने के काबिल हो जाता है हम गधा नो सर नो व्हाट इट मींस इज यू आर पार्ट ऑफ आवर आर्ट एट बिकॉज ऑफ आवर आर्ट यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट सर अभी हमारा थोड़ा पेमेंट हो जाता तो भले ही पार्ट पेमेंट हो जावे मिस्टर मुत्तुस्वामी मुझे आपके साथ हिसाब करना है हिसाब वही हमारा हिसाब हो जावे तो बट हम लोग हिसाब जी कैसा हिसाब आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना तुम पहले होशियारी दिखाते हैं हम उसका जवाब देते हैं एनीवे मैं अपना माल वापस लेने आया ये बैग को हाथ मत लगाना वरना वरना क्या डॉन मुत्तुस्वामी तो अब सुधर गया मैं जानता हूं आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं हम सुधर गया लेकिन हमारा आदमी लोग नहीं तुम हमारे माल को हाथ लगाएंगे तो हमारा आदमी लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं कौन आदमी तेरे को देखने का है ये देख ए चीटर काक चीटर काक कौन है ये अतरंगी गधे ये तेरे को गधा दिखते ये दो बम है रे बम ये बम पड़ेगी ना आदमी लोग का पट जाएगी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जी ये हमारा ये जबन ना थोड़ा इलेगी तेरा काम का मिस्टर स्वामी आप ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे
इधर आ, अभी हम तेरे साथ एक अच्छा बात करेंगे। क्या? रंजना गया, जाने दो। तुम हमारी बेटी से शादी कर लो, ये सब कुछ तुम्हारा। वो आपकी असली वाली बेटी? हाँ। से जो माँ बनने वाली? हाँ, है संजना से। अरे लेकिन उसके होने वाले बच्चे के बाप का क्या होगा? अरे समझ लो वो मर गया। अरे ऐसे कैसे समझ लो मिस्टर स्वामी, और वैसे भी मैं आपकी बेटी को जानता तक नहीं हूँ, शादी कैसे कर लूँ? हम तुम दोनों को मिला देंगे। लेकिन बेटा एक मिनट इधर वेट करो, हम उसे लाते हैं, वेट करो। मिस्टर मुत्तु स्वामी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की, अब अपना माल वापस लेने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। ले जाएंगे तेरा माल चुरा के ले जाएंगे, दे जाएंगे मुत्तु स्वामी को धोखा दे जाएंगे, शादी करके तेरी बेटी से तेरी गोद में बिठा के भाग जाएंगे, ले जाएंगे। गावना क्यों हो गए? गावना नहीं, आप लोग यहाँ क्या, क्या? वो स्वामी जी को बोलो ना प्लीज। अरे मैं क्या बोलूँ? बोलो ना, विड़े ना भी खड़ी। या एक और आदमी का काम करना है। एक और आदमी का? आप लोग दिन में कितने काम करते हैं? चार पांच तो धकेल ही देते हैं। चार पांच बहुत है। नहीं तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हमको काम भी फिनिश करना पड़ता है ना। अरे इसे कट थ्रोट बिजनेस ना बाबा। लेकिन आप लोग ये काम करते हुए थकते नहीं है? ना ना थकेंगे क्यों, मिलजुल के करते हैं। कभी नीचे वाला मैं करके आता है, गले वाला काम ये करता है। और आपको ये सारा काम नॉर्मल लगता है? काम नहीं है ये, हमारे लिए आर्ट है। अरे वो जरा पेपर का कटिंग दिखाना। हाँ, कटिंग का काम तो आर्ट का ही काम होता है ना। ये देखो बाबा, ओह माय गॉड, ये हमारा ही काम है। मतलब ये आप दोनों ये ने, हम दोनों ने मिलके किया है। एंड यू नेवर नो, कभी तुम्हारा भी करना पड़ जावे। अरे ऐसा करेंगे कि कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा, और फिर तुम्हारा भी पेपर में फोटो छपेगा साईं। तुमने अभी तक मुझे अपनी दूसरी बेटी के बारे में बताएंगे रहा है, बताएंगे तो तू बहुत हंस गया। अब जरूरी है कि हमारी बेटी की शादी करना। ये वो छोकरा जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, ये प्रीतम चोपड़ा हमारा मैनेजर। हेलो मैनेजर। पापा आप... अरे हमारा ड्राइवर से तो अच्छी है ना। ड्राइवर? कौन ड्राइवर? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके गार्डन में बैठो, एक दूसरे से बात करो ताकि एक दूसरे को जान सको, समझ सको, है ना? अंडरस्टैंड करो, थोड़ा अंडर करो। अगर अपने जूल्स वापस पाने के लिए इससे शादी भी करनी पड़े तो कर लूंगा। वैसे भी मुझे तो किसी के साथ भी शादी करके यहाँ से आजाद होना है। अब चलें? चलिए। एक्सक्यूज मी। पुट इट इन द एयर। ये क्या रे, तुम तो नहीं सोने का ही? हमारा ऐसा ही है, जब तक पेमेंट नहीं मिलता मुदड़ी सोता है। अगर एक साल पेमेंट नहीं करते तो तू एक साल इधर ही परा सोएगा। अयो तुम लोग अभी पेमेंट लेके जाओ अभी। अच्छा तो आप मुझसे शादी करना चाहते? मैं नहीं, मेरे अपा चाहते मैं आपसे शादी कर लूँ। क्या, तो आप किससे करना चाहती हैं? मुझे तो कोई भी अच्छा आदमी चलेगा, मैं तो सिर्फ इस जेल खाने से आजादी चाहती हूँ। अरे तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेती जिसकी वजह से ये वो, मतलब आप प्रेग्नेंट है ना? प्रेग्नेंट? हाँ। वो तो मैं झूठ बोल रही थी। What? हाँ। आपने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उस प्रधान से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? देखिए शादी होती है शाद होने के लिए, आबाद होने के लिए, आजाद होने के लिए, डॉन के बेटे के साथ शादी करके कैद और बर्बाद होने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे आप वाकई बहुत ही स्वीट लड़की। मैं आपके बाप को तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि आपको धोखा दे दूँ। बाहर में गए वो ज्वेल्स। ज्वेल्स? कौन से ज्वेल्स? नहीं कुछ नहीं। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ और इसीलिए आपसे शादी नहीं कर सकता। तो मेरी आजादी का क्या होगा? अरे होगा, होगा ना। देखिए आपके लिए आप ही के जैसा अच्छा लड़का मिलना चाहिए ना, जो आपसे बहुत प्यार करता हो। ऐसा एक लड़का है मेरी नजर में। कौन है वो? अरे अपना मास्टर। मास्टर? जय किशन, जो आपके पिताजी को उर्दू सिखाने आता है। जय किशन? हाँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही गुणी है। क्या कहता है, क्या अच्छी अच्छी बातें करता है, उसकी जुबान में क्या तलफ। छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है? आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उसे अभी भेजता हूँ। ओके। अरे मास्टर, मास्टर जी मुबारक हो। अरे मैंने मुत्तू की बेटी के साथ तेरी लाइन क्लियर कर दी है। कैसी बात करते हो यार,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी लाइन? अरे नहीं यार, मिस्टर मुत्तू स्वामी की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो कोई दूसरी लड़की है। यानी मेरी लाइन क्लियर है? अरे पूरी तरह क्लियर है, बस बैंड बाजा बजा दो जल्दी से। लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है। अरे नहीं यार, वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, वो तो उसने अपने बाप से झूठ बोला था ताकि बुढ़ा जबरदस्ती उसकी शादी प्रधान सेना कर दे। हाँ मैं समझ गया। हाँ यार, अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जो उसे चाहिए। वेरी गुड। मैं उसे हवाओं में उड़ाऊंगा, बाहों में झुलाऊंगा, अपने दिल की मस्ती भरी मौजों में तैराऊंगा। अरे तो मियां देर किस बात की, जल्दी जाओ गार्डन में, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे शर्म आ रही है। किस बात की? वो क्या है ना, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को तैराया झुलाया उड़ाया क्या, टहलाया तक नहीं है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मैंने उसे समझा दिया कि तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो, तुम बस जाओ एंड फ्लैश योर किलर स्माइल। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। आज मेरे पांव न कपकपाए, मेरे हाथ न थरथराए और मेरी ज़बान न लड़खड़ाए और मैं उसके सामने खोल के रख दूं। खोल के रख दूं अपना दिल? ओ आई सी, तो जाओ और खोल के रख दो अपना दिल। जाओ। अरे यार अब क्या हुआ? ऑल द बेस्ट टू मी। ऑल द बेस्ट टू यू। जाओ। फनी बट नाइस। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस, भगवान मेरी रक्षा करना। जी मैं तुम क्या बात है, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? जी वो अंदर बहुत घुटन हो रही थी। कैसी घुटन? कैसी घुटन? कैसी घुटन? हाँ कैसी घुटन? गाना गाने की घुटन। गाना गाने की घुटन? जी अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर पर ना गाऊं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। आप थोड़ी थोड़ी देर में गाना गाते हैं? गीत और संगीत ही मेरा जीवन है, गाऊं ना तो मर जाऊं। और अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर में गाना ना सुनूं ना तो मैं मर जाऊं। इसका मतलब अपनी जोड़ी खूब जमेगी। जमेगी क्यों, जम गई क्या? समझे? समझ गया। मास्टर मास्टर, तुम चलो ऑफिस में जाकर बैठो, मैं बेटी से बात करेंगे। जाओ जाओ। क्या रे प्रीतम ने अभी मेरे को बताया है, तू जय किशन से शादी करना चाहती? हाँ, क्या हुआ? अरे इससे पहले तो तुम रहमान से शादी करना चाहती। अब रहमान तो पाकिस्तान चला गया। इससे पहले तुम प्रीतम से शादी करने को राजी हो गई, अब तुम जय किशन से शादी करना चाहती। हाँ। ये कैसी लड़की रहे तू, अभी तक तुम तीन लड़का चेंज किया, अभी तक लंच ही नहीं हुआ। अरे वो एकदम गरीब सीधा साधा लड़का है। तो क्या हुआ पापा, वो मेरे दिल को लुभा गया ना? मेरे को नहीं हुआ, तेरी शादी उससे नहीं होगी। अरे 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 सर क्या कर रहे हैं आप, क्यों बच्ची को रुला रहे खामखा? ए तू चुप रह रास्कल, तू चोरी करके बड़ा आदमी बनेगा। हाँ। वो एक सीधा साधा आदमी, वो कैसे बड़ा आदमी बनेंगे? अरे सर गा बजा के दो वक्त की रोटी तो कमा ही लेगा। मेरी बात सुनिए, लड़की की शादी करवा दीजिए, आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। नहीं। ए, चुप रहे, चुप। या तारा फाइनल लड़का है? हाँ, फाइनल। इसके बाद तू लड़का चेंज नहीं करेगी? नहीं सर। तो ठीक है, ये शादी फाइनल। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव। मुबारक हो मिस्टर स्वामी, आपकी बेटी की शादी की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली। कम से कम अब तो मेरे ज्वेल्स मुझे लौटा दीजिए। वो तेरा किधर है, ये तो मेरा है। मैं तेरे को क्या बोलती है, जो हमारी बेटी से शादी करेगी वो ज्वेल्स हम उसको देगी। ओह आई सी, रख लीजिए वो ज्वेल्स मेरी तरफ से अपनी बेटी की शादी का तोहफा समझ के रख लीजिए। गुड बाय मिस्टर सोनी। गुड बाय। आइए आइए मियाँ पंडित जी आइए। अय्या मुर्गा। मुर्गा नहीं नूरा। अय्यो तुम तो एकदम बदल गया जी, तुम तो विलन से हीरो बन गया जी। क्या बताएं मियाँ पंडित जी, वक्त बदल गया, धंधा बदल गया, इसलिए आप उनका स्टाइल भी बदल गया। जो भी हुआ जी बहुत अच्छा हुआ जी। वो हमारा जजमान है ना, मिस्टर एंड मिसेस मुत्तू स्वामी। वो किधर है जी?
सर आज आपकी पढ़ाई कुछ ठीक से नहीं हुई, बहुत डिस्टर्बेंस थी। जो कम का था वो पढ़ लिया, तशरीफ भी रखने का। तशरीफ रखिए। ओके, तशरीफ रख दीजिए। दीजिए नहीं, तशरीफ रखिए। अयो रे मुर्गा, ये कैसा रहा? तशरीफ देना ठीक नहीं, रखना ठीक है। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई शुरू करें। तुमसे एक जरूरी बात करने का। हमें भी आपसे एक जरूरी बात करनी है सब। देखा देखा, हम जरूरी बात करने गया, ये चुड़ैल घुस गया। क्या जी? हमारी 3 दिन की पगार आप पे बाकी है सब। पगार? पगार ये ले पकड़, बाकी छुट्टा रखने का। थैंक यू। देखा, लखपति से शादी कर गया लेकिन आदत अभी भी नौकरानी जैसी। बचपन की आदतें साहब कहाँ छूटती है। अरे हाँ साहब, अब तो रानी बन के राज करेंगे हम। आपको काम पे से किसी को हटाने का हो तो हमारे पास भेज देना, हम रख लेंगे। अयो, तू जा रहा है? लेडी रस्कल। आपको इसे इतना बोलने का मौका तो देना ही नहीं। पहले अगर बोलते तो हमेशा के लिए जबन कट कर देती। अभी थोड़ा चेंज हो गया। मतलब? छोड़ो, तुमको हमारी बेटी कैसी लगती है? सर आपकी बेटी तो वो तो बहुत अच्छी है सर। प्यारी है, मासूम है, भोली है बहुत। हम उसका शादी करना चाहते हैं। शादी? शादी ये तो बहुत अच्छी बात है सर। किससे? तुमसे। मुझसे? क्यों, तुम बीवी वाला है? नहीं सर। तुम बच्चे वाला है? सर जब बीवी ही नहीं है तो बच्चा तो हो ही नहीं सकता ना। तुम्हारा वो और कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब तो ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दे ही दिया। ओ, तुम्हारा छप्पड़ पड़ गया। कोई बात नहीं, हम तुमको बंगला बना के देंगे। और कुछ? मेरा तो सर एक ही सपना है, एक म्यूजिक की पाठशाला। अरे पाठशाला छोड़ो जी, तुमको हम कॉलेज बना के देगी। कॉलेज? हाँ। अगर कॉलेज में तो बहुत पैसा चाहिए ना सर। ऐसे का चिंता नहीं करने का, ये मुझ तो समय आना पैसा देगी। है एक साथ इतना ज्वेल तुम कभी देगा नहीं। देख ऐसा ज्वेल तो मैं लाइफ में कभी देखा ही नहीं। जाओ अपना जितना सपना है पूरा करो। इससे अयो अयो, हम अभी आता। मुत्तु स्वामी जी किधर जाना है मैडम? अरे मालाबार हिल प्रधान पैलेस, चलो ना जल्दी जल्दी। मिस्टर लेडी, मुत्तु स्वामी हाथ में काला बैग लिए हुए दौड़ता हुआ बाहर आया है। सर जी, उस बैग में क्या हो सकता है? कोकेन या हीरोइन? हीरोइन? क्षमा कीजिए पंडित जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं है जी, ये तो हमारा आदत है। अरे स्वामी, पंडित जी पहचाना इन्हें? डेड बॉडी में सब कुछ कर देना। हाँ, अभी आपने आश्रम के लिए तुमसे कुछ मदद चाहते हैं। हम देंगे, लेकिन पहले हम अपना मदद करेंगे। हम समझ गया जी, तुम अपना बेटी का शादी वरदान के बेटे से करने वाला है जी, वो बहुत पैसे वाला है जी। नहीं नहीं पंडित जी, अब ये शादी उससे नहीं हो रही है। अब हम इसकी शादी एक पंजाबी लड़के प्रीतम चोपड़ा से करने वाले हैं। लाड मुर्गन जो करता है सब अच्छा ही करता है जी। पंजाबी शादी होगी, ढोल बजेंगे, ताशे बजेंगे, भंगड़ा होगा। अरे कुछ नहीं होगा जी, हमारी बेटी ने प्रीतम से शादी करने को मना कर दी। क्या? हाँ। तो अब क्या होगा? लाड मुर्गन सब भला करेगा जी, अपनी लड़की सुंदर है, सुशील है, जवान है, उससे भी अच्छा लड़का उसको मिल सकता है। मिल गया है? कौन है वो? जय किशन शास्त्री, हमारा मास्टर जी। मास्टर जी? मास्टर जी जी, आपने मुझे बुलाया?
आयो तू जा रहा है जी। जजमान लड़का बहुत सुंदर सुशील पढ़ा लिखा लगता है जी। ये संजना इससे शादी क्यों कर रही है? ये रहमान से तो अच्छा ना। ये रहमान कौन जी? हमारा ड्राइवर। आप पंडित जी के सामने ये सब बातें मत करो, पर वो प्रीतम से शादी क्यों नहीं करना चाहते? आप मेरे पास टाइम नहीं है, ये हमको बरखा को फोन करना। ये बरखा कौन जी? हमारी नौकरानी है पंडित जी। नहीं नहीं ते। तुमने उसे भी नौकरी से निकाल दिया? अरे मैं नहीं रे, खुद नौकरी छोड़ के गई। क्यों? क्योंकि प्रधान से शादी करेगी। ये प्रधान कौन जी? ये प्रधान का बेटा जी। ओह माय गॉड, ये सब कब और कैसे हुआ? जैसे ये मुत्तो समय लुंगी से सुड में हो गई। बहुत कंफ्यूजन है, रूम कंफ्यूजन जी। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। वो तड़ा पावी, ये तो मैं हमारे फैमिली के बीच में क्यों ना घुसाती रे? टन रे, टन रे। स्वामी पंडित जी, आइए थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। फिर से तुम हमारा फैमिली के बीच में ना घुसेगी ना, हम तेरे को टन कराएंगे, ठीक है? वो कड़ा वड़ी। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। अरे ये तो मेरा बैग नहीं है। ए प्रधान, तुमको एक तकलीफ देने का। अब कोई फायदा नहीं है मुत्थू जी, मैं बरखा से ही शादी करूंगा। अयो रे पावे, तुम बरखा से जरूर शादी कर रहे हैं, लेकिन वो गलती से मेरा बैग लेके गया और उसका कपड़ा वाला बैग इधर छोड़ के गया। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर के हाथ भेजकर बदली करवा लूंगा। ये थैंक यू रे, थैंक यू। मैं अपना बैग लेने और ये लौटाने आई हूँ, ये मेरा नहीं है। क्या तेरा क्या मेरा। मैं बैग लेकर आता हूँ। ये तुम्हारा है? हाँ। 8 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। अब ये वापस क्यों आया? What can be the logic behind this? लगता है प्रधान का ड्राइवर हमारा बैग लेकर आया। ये चड्डी वाला बैग उसको देखे, वो ज्वेल्स वाला बैग हम ले लेंगे। आओ रे आओ। अयो, तुम फिर से वापस आ गई। लगता है आपको इन पत्थरों से बहुत प्यार हो गया। हाँ, ये हमारा किस्मत है। Yeah, right. इसीलिए आप इस बैग को छोड़ भी नहीं रहे। बोलो क्या बोलने का? अब मेरे पास बोलने के लिए रह क्या गया मिस्टर स्वामी? आज सुबह तक सब कुछ था मेरे पास, घर, नौकरी, गर्लफ्रेंड, और अब कुछ नहीं रहा। मेरा प्यार भी मुझसे रूठ कर चला गया, और उसकी निशानी भी। पता नहीं रंजना मुझे छोड़कर कहां चली गई, मेरा फोन भी नहीं उठाती, और मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं पता सर। तारा बात सुन के मेरे को बहुत दुख होता है, लेकिन मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ सर, मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। डील? जी। कैसा? ये जूल्स शादी के बाद मैं रंजना को देना चाहता था, एज ए गिफ्ट, प्यार की पहली निशानी। और अब तो जिंदगी भर ये जूल्स मुझे रंजना की याद दिलाते रहेंगे सर, और इसीलिए मैं इन्हें आपसे खरीदना चाहता हूँ। अब इसको खरीदने के लिए तू किसका चोरी किया? आपका सर, आप ही का। अयो, ए बिरू, दे दे। अपन के सारे हथियार तो अपने पहले ले लिए। पोड़ा पोड़ा। अब बोल, इस बार तुम मेरे को कैसे टोपी पहनाया? ये भी मेरे लिए बहुत ही सिंपल था सर। आपको याद होगा वो तमाम छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक्स में आपने फर्जी अकाउंट्स खोल रखे थे, किसके उसके नाम के, जिसमें आप अपना अपना काला पैसा छुपाते थे। सर वो चेकबुक्स तो मेरे पास ही रहते हैं ना, मैंने अपने ही नाम का एक चेक काट लिया और सारा पैसा निकाल लिया, सिंपल। यो कब? यही कुछ 12:30 मिनट। अयो ना पापी पापी, अयो अयो, ये रेट थोड़ा थोड़ा खाता है, तू तो एक साथ सब खा जाती। देखिए मिस्टर स्वामी, ये खाने पीने की बातें छोड़िए और मेरे जूल्स मुझे वापस दे दी, जो एक तरह से मेरे ही हैं, और बदले में मैं आपको वो सारा रुपया दे दूंगा जो मैंने आपसे चुराया है। डील?
ठीक है ठीक है, पैसा ला। बस मैं अभी गया और अभी लाया। आज ये दिन हमारे लिए बहुत लकी रहे। ये चड्डी वाला बैग मैं इसको देगी और पैसा लेगी। उधर से वर्धन का ड्राइवर ज्वेल्स का बैग लेके मेरे को देगी। ये सिंपल बात इस रस्कल को समझ नहीं आया। दिन दिहाड़े माल आ रहा है, माल जा रहा है। अगर हमने डॉन मुथु स्वामी को माल के साथ पकड़ लिया तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सर। गुड, आज जो होगा प्रेस के सामने होगा। मैं अभी प्रेस वालों को कॉल करता हूं। ग्रेट सर। क्या बैग में चूहा है? है, तेरा सर है। सर तो मेरा बाहर है। चुप रह। स्वामी मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है हम अभी आते हैं। खाना चोर रहे, ध्यान से सुन। ये बैग लेके सीधा लाइब्रेरी में जाने का। तंदूर मेल और फीमेल किधर भी देखने का नहीं। ये बैग में ध्यान देने का, ठीक है? जा। मैंने अभी अभी फोन करके महिला कामगार यूनियन से घर का काम संभालने वाली एक औरत बुलाई है। अयो लता, ये इतना सा बात के लिए तुम मेरे को ऊपर बुलाती? नहीं स्वामी, तुम्हें ये समझाने के लिए भी बुलाया है कि तुम्हें इन गवर्नेंसेस के साथ थोड़े अच्छे से पेश आना चाहिए, थोड़ा नरमी से, थोड़ा प्यार से, वरना जैसे ये बरखा चली गई, ये दूसरी वाली भी चली जाएगी। ये देखो, ये बरखा मेरी गलती से नहीं गई, वो शादी करने गई है अंडरवर्ल्ड किंग के बेटे के साथ। वो इधर काम करके अपनी बेटी को साइड करके अपनी चक्कर का फिटिंग करते, उसको मिला लखपति और मेरी बेटी को मिला गरीब पति। अयो बुड़कर, तो वरदान की गाड़ी तब तो लगता है कि वरदान भी मुझे
मुत्तु स्वामी के साथ मिलकर धंधा कर रहा है। प्रधान मुत्तु स्वामी? ओके। प्रधान साहब ने भेजा है, मुत्तु स्वामी जी का ये बैग देना है और बरखा जी का बैग ले जाना है। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, मैं बैग लेकर आता हूँ। मास्टर। हाँ, अपा? जी सर। बाय, सी यू लेटर। बाय। मास्टर, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। आज तुम्हारा खुश होने का दिन है, जिंदगी बनाने का दिन है। हम तुमको क्या वर दिया था कि तुम हमारी बेटी से शादी करोगे तो बैग भर कर हम तुमको क्या देंगे? ब्रा पैंटीज। पीछे का नहीं, आगे का सोच, आगे का। हम तुमको क्या बोला था? तुमको हम बैग भर कर दौलत देगी तो देगी, हम वादे का एकदम पक्का है। और मास्टर, अक्खा दुनिया जानता है कि डॉन मुत्तु स्वामी अपने जवान का एकदम पकेला है। पकेला नहीं, पक्का। पक्का हो या पकेला, मतलब तो सेम टू सेम है ना, है ना? इसकी बात को ध्यान नहीं देने का। मास्टर, इतना पैसा देगे तुम इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी कमा नहीं सकती। लो, जितना चाहिए तुम लो। भाइयो, भाइयो। जी बिल्कुल, वजह फरमा रहे हैं आप। ये दौलत कमाने के लिए तो मुझे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। आप मेहरबानी करके ये दौलत अपने पास ही रखिए, शायद आपके काम आ जाए। मुझे सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। ये तो संजना का सिर्फ हाथ मांग रहा है, बाकी की संजना का क्या? शट अप, शट अप। मास्टर, तुम थोड़ी देर के लिए गार्डन जाना है, मेरे को इसके साथ थोड़ा गुप्तगु करने का है। मैं तेरे को क्या बोलती रहे? बोला था कि कुछ खाने का नहीं, आधे घंटे से अपुन ने कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाया? मैं तेरे को क्या बोलती, बैग पर नजर रखने को बोलती कि नहीं? चिकन तंदूरी की कसम डॉन, अपुन इस चड्डी बनियान के बैग पे नजर रखेला था। अयो, ये चड्डी बैग नहीं रहे, इसमें पैसा था, पैसा। तो फिर पैसे चड्डी और बनियान कैसे बन गए? ये मैं तेरे को पूछती। जादू, छू मंतर मस्त कलंदर चिकन तंदूरी नान, डॉन मुत्तु स्वामी के पैसे बन गए चड्डी और बनियान। अयो, अयो अम्मा। संजना, 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 मुझे लगता है तुम्हारे पापा मेरे साथ कोई तमाशा कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। मेरे पापा के दिमाग में तो स्क्रू है ही नहीं। फिर तो और भी गड़बड़ है।
चलो हम लोग किसी मंदिर में जाके भगवान को साक्षी मान के शादी कर लेते हैं। गुड आइडिया। इसका मतलब है मैं सोने के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। चलो। डॉन, आपको यकीन है कि पैसे इसी बैग में थे? अयो पैसा तारे तारे। एक बात पूछूं दोस्त? सॉरी सर, इतने पैसे आपके पास आए कहां से? ये प्रीतम ने हमसे चोरी किया था। तब तो ये पैसे प्रीतम के पास होने चाहिए। अरे उसने हमसे चोरी करके हमको दिया। क्यों दिया? ज्वेल्स के वास्ते। कौन से ज्वेल्स? वो ज्वेल्स जो हमसे चोरी करके हमारी बेटी से शादी करने के लिए। संजना से? संजना नहीं रे, रंजना। ये रंजना आपकी कौन सी बेटी है जिसके बारे में कोई जानता नहीं? अयो रे पैती करा, वो हमारी बेटी नहीं है। मैटर सॉल्व हो गया डॉन। कैसा? मैं समझाता हूँ। एक बेटी है आपकी जो आपकी बेटी नहीं है। राइट। ज्वेल्स जो आपके पास होने चाहिए थे वो आपके पास नहीं है। राइट। ज्वेल्स के बदले में कैश जो आपके पास होना चाहिए था वो आपके पास नहीं है। राइट। इसका मतलब आपका अगर कुछ है तो है ये चड्डी और बनियान। सॉरी डॉन। टंड रे। क्या बात है मिया, आज इसी घर का चक्कर लगाती? मुत्तु स्वामी जी से एक बात करनी है। प्रीतम ने बैग मार को दिया, मैं बैग गधे को दिया। किस गधे को? बिल्ली ने तो यही घर ढूंढ लिया है। वो बरका बिल्ली नहीं, रंजना। वही रंजना जो आपकी बेटी नहीं है? हम जानती रहे, लेकिन ये गुम कैसे हो सकते हैं? क्या गुम गया सर? ऐसा बैग। ऐसा बैग? वरदान का ड्राइवर ऐसा ही बैग लेकर आया था। लाइब्रेरी में जो ऐसा बैग पड़ा था, मैंने उस बैग से वरदान के बैग को बदल दिया। अयो, ये गधा क्या कर रही थी, घास खा रही थी? ये उधर नहीं था। ये गधा, ये कुल्लू, दोनों बाई बाई, दोनों टन रे। सॉरी डॉन। सॉरी डॉन। दोनों टन रे। सर जी, वही नौजवान लड़का फिर आया है। फिर लाया है वो काला बैग। गॉड, माल आ रहा है, माल जा रहा है, और लोग कहते हैं कि मुत्थु स्वामी सुधर गया है। मैं जानता हूँ ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं। देखो प्रधान, तुम्हारा ड्राइवर गलती से मेरा बैग लेकर गए। वो बैग तुम मेरे को दे दो और बरका का चड्डी वाला बैग मैं तुमको बेचती। ओके, वेरी गुड। अब बोलो, अब तुम किधर लटके? सब क्या मैं अकेले में? पोड़ा। सर, वैसे भी समझने के लिए आप उनके पास समझ का है? आपसे अलग जाऊंगा और गड़बड़ करूंगा। ये इज राइट। सर, मैंने नाराज होकर प्रीतम का साथ छोड़ दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। नहीं सर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, सच्चे दिल से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त वो मुझे कहाँ मिलेगा? नहीं। लेकिन रास्कल जहाँ भी होगी मेरे लाखों का चिपका दी होगी। अब मेरे पास टाइम नहीं है, चलो। तुम प्रीतम से बहुत प्यार कर दिया। हाँ। तो मेरे को तुम्हारे लिए कुछ करना मांगता है। तुम इधर बैठो, मैं प्रीतम को ढूंढती हूँ। ओके बेटा। पर अपुन को तो लगा था कि आपकी बेटी नहीं है। ओ डो 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 डो, चुप रहे। अयो अयो, अब तुम हमारा क्या चोरी किया रे? क्या चोरी किया? एक बात। स्वामी, आप शायद भूल रहे हैं, इन ज्वेल्स के बदले में मैं पैसे आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तेरे को तो चड्डी मिलने का था। चड्डी किसकी? नौकरानी की। ए, चुप रह। एक बात सुनना, अब इस बैग के बदले मैं तेरे को और कोई बैग नहीं देगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं, ना ये ज्वेल्स, ना आपका रुपया पैसा। इसीलिए तो ये बैग लौटाने आया था मैं।
मैं तो अपना सब कुछ वैसे ही खो चुका हूं। और मिसेस स्वामी प्लीज प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो कुछ भी किया अपने अपने प्यार के लिए किया। अब जब मेरा प्यार ही मेरे पास नहीं रहा तो इन चीजों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर गलती से रंजना से कहीं आपकी मुलाकात हो जाए तो उससे जरूर कहिएगा कि मैं उसे बेहद प्यार करता हूं, और उसे प्यार करते करते एक दिन अपनी जान दे दूंगा। ए प्रीतम तू तो एकदम मजनू की औलाद की तरह बात करती रहे, जा ऊपर जा, रंजना लैले की तरह इंतजार करते। रंजना यहाँ है? हाँ। लेकिन वो तो थैंक यू। रंजना प्रीतम आई एम सॉरी। नो बेबी आई लव यू। लव यू टू। अयो ये लगता है प्रदन का ड्राइवर मेरा पहला वाला बैग लेकर आई। कौन मैं देखता है? आप कौन? नमस्ते जी, मुझे महिला कामगार वालों ने यहाँ भेजा है। हाँ, आओ, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं तेरे से बात करेगी है, नहीं तो अपनी बीबी बहुत नाराज होगी। आओ, ये तशरीफ रखने का। काम वाली को तशरीफ क्यों? हमारी बीबी बोलती है इन लोगों से बीए बच्चा करने का, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगी। बैठो। हाँ बोलो महिला कामगार, तुम काम क्या कर दे? जी मेरा नाम महिला कामगार नहीं, सावित्री है, और एक घर को संभालन के सभी काम आवे हैं मन। कितना दिन से इस लाइन में है? लाइन मतलब घर का काम कब से करती है? जी 25 साल। सबसे पहली नौकरी मैंने मस्तान बाबा के यहाँ की थी। अयो नूरा, मस्तान बाबा? ये नूरा मस्तान बाबा के पास काम करती थी रे? ये मस्तान बाबा मेरे को स्मगलिंग सट्टा बंदूक चलाना सब सिखाती रहे सब। ठीक कह रहे हो मुत्तू। मुत्तू ये नाम से तो मेरा को सिर्फ एक औरत बुलाती थी रे। अयो सावित्री, सच अयो सावित्री मैं याद हूँ तुम्हें। याद? अरे हम तेरे को कैसे भूल सकती रे? तुम मेरा पहला मतलब के मतलब हम तुमसे कितना प्यार करती है, है? ये दुनिया कितना छोटा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मालिक से तो पकड़ा गया तो जेल चली गई, जेल से वापस आने के बाद मैं तेरे को कितना ढूंढा, किधर चली गई थी रे? मुझे लगा ऐसे माहौल में अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो क्या बनेगा? तेरा बच्चा? हाँ मेरी बेटी, अब तो बड़ी होगी है और जल्दी उसकी शादी भी होने वाली है। अयो हम कितना खुश रे, कितना खुश। सावित्री की बेटी की शादी, ये तेरा दामाद कौन रे? बड़ा अच्छा लड़का है। मैनेजर है, 15,000 तनख्वाह महीने की, और नाम है प्रीतम चोपड़ा। अयो ना ये प्रीतम चोपड़ा तुम उसे जानो हो? अरे कैसे नहीं जानती रे, हमको तो लगता है सिर्फ हम उसी को जानती। तुम रंजना की अम्मी? तुम रंजना को भी जानो हो? अरे वो तो मेरी बेटी है, बेटी। मतलब तुम सब जानो हो? सब कुछ, सब के? वो तुम्हारे मेरे रिश्ते की निशानी है वो। अरे डॉन आप समझ क्यों नहीं रहे, ये आप ही के बच्चे की माँ है, रंजना आप ही की बेटी है। ये बात अपन के समझ में आ गई, और आप है के? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं? अरे नहीं रे, ये मेरे लिए आज के दिन का सबसे बड़ा झटका। इब्बत तुमने कहा कि तुम्हें पता है कि रंजना तुम्हारी बेटी अरे है। वो बात नहीं है, वो बोलती है वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं सोचती मैं उसका बाप नहीं। सावित्री तुम्हें कुकर पता होता, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम जेल चले गए थे
और मैं बच्चे को जन्म देने ताई दुनिया की नजरों से दूर जा चुकी थी। आयो, 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 सावित्री, अब रोना नहीं रे सावित्री, रोना नहीं, अब तो मेरे को भी रोना आ रहा, रोना नहीं। स्वामी क्या हो रही है, कौन है ये औरत? ये सावित्री काम करने आई। हाँ? एक नौकरानी के साथ इतनी हमदर्दी? ये तुम बोलती ना, अच्छा वियर्ब करने का। हाँ हाँ, लेकिन उसे गले लगाने के लिए तो नहीं कहा था। ये बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? ये बहुत खुश है कि इसको काम मिल गई ना। हो, देखती हूँ तुम इसे यहाँ कितने दिन खुश रख पाते हो। तू रोना नहीं रे, रोना नहीं, अभी मैं रंजना को बुलाती। वो आड़े हैं। हाँ, सुबह से यही तो चक्कर चल रहा है काम वाली भाभी। चुप रहे, रंजना को बुला। रंजना, रंजना। माँ, ये तुम्हारी माँ है? नमस्ते मम्मी जी, मैं प्रीतम। माँ, तुम यहाँ कैसे? हाँ। माँ, मैं थारे पिताजी से मिलने आई थी। पिताजी से? इस समय आ गया है कि मैं तन्हे सब बता दूँ। तू मुत्थु स्वामी की बेटी है। क्या? क्या? मैं मुत्थु जी की बेटी हूँ? इसका मतलब है मुत्थु जी मेरे सचमुच के पापा है? नमस्ते जी। पापा, I love you. डैडी, डैडी, I love you too. अब तो मैं ऑफिशियली आपको डैडी बोल सकता हूँ ना? हाँ, तुम मेरे को बोल सकते हैं, लेकिन तू मेरा इसको पर नजर नहीं रख। अयो, अयो, ये किधर गए रे? हम दोनों मंदिर गए थे। क्यों गई? भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी कर ली। अयो, शादी कर ली? हाँ। बहुत अच्छा किया रे। बहुत अच्छा किया, लेकिन डॉन मुत्तु स्वामी की बेटी की शादी ऐसे नहीं हो सकती। हम तेरी शादी दोबारा करेंगे, तुम दम से गाना चना स्टाइल से करेंगी रे। मेरी बच्ची, खुश रहो, खुश रहो। माँ, सर ये देखिए, ये देखिए कौन लोग हैं सर। लगता है ये वही गैंग है जिसके साथ मिलकर मुत्थु स्वामी नाजायज माल की डील करने वाला है। लेकिन आज ये पछनी वाला नहीं है। Come on, let's go, let's go। हाँ। अब पुलिस का डंडा खुलेगा। आज मेरा लिया ये दिन कितना वंडरफुल है, कितना लकी। मेरी दो दो बेटे की शादी रेडी हो गई। क्या? ये दूसरी कौन है? ये हमको पता नहीं था रे कि ये मेरी बेटी है। अगर ये तुम्हारी दूसरी बेटी है तो फिर इसे जन्म देने वाली माँ भी जरूर होगी। हा? जी मैं। हाँ? इसका इसका मतलब इस नई नौकरानी के साथ तुम्हारा पुराना रिश्ता है। ये लिटिल मिस्टेक रे। एक्सक्यूज मी मिस्टर स्वामी, हम लोग गलत वक्त पर तो नहीं आए? ए, ना जी ना जी, अब सही वक्त पे आए जी। कितना मुश्किल है आजकल सही वक्त पर सही आदमी की पहचान करना। ये लता, ये बाद में तेरे को बाद में समझाएगी रे। अब मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रंड मामले भांगे। बस 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 बस। अबे बॉस बॉस करता रहेगा या कुछ कहेगा भी? हाँ, वो अपना शक्ति की निकला। मुत्थु स्वामी के पास चार कस्टमर आ रहे हैं। बहुत बड़ा डील है, करोड़ों का है। मैं बैग में ज्वेल्स भी देखा है। बहुत गुड, वेरी गुड। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। रोटियों से भर देगा? पैसा नहीं देगा क्या? अबे भैरे, तेरा हिसाब तो मैं मुत्थु स्वामी को लूटने के बाद ही करूंगा। बोलो मिस्टर पटेल। वेल मिस्टर स्वामी सर, आप ये समझ लीजिए कि आपका पैसा हमारी चिटफंड कंपनी में उतना ही सेफ रहेगा जितना आपकी अपनी तिजोरी में रहता है। ऑफिस में आपका सबसे बड़ा कमरा और सबसे बड़ी कुर्सी होगी जिस पर ये एक पुतले की तरफ बैठे रहेंगे, है ना? क्या? यानी कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगी। इस अग्रीमेंट से तो यही लगता है जेंटलमैन। अरे मुत्थु स्वामी जी, आप इन कागजों के बारे में जरा मत सोचिए। ये कागज तो महज कानूनी खाना पूरी के लिए बनाए जाते हैं। और चूंकि मिस्टर मुत्थु स्वामी को अभी बिजनेस टैक्टिक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए तो हम उन्हें इन चक्करों से बचाना चाहते हैं, कहीं किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में इन्वॉल्व हो जाए। बस इसीलिए तो मैं तो कहता हूँ मुत्थु स्वामी जी, आप इन पेपर्स के ऊपर आंख बंद करके साइन कर दीजिए। नहीं डैड, आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। इस अग्रीमेंट में एक और बात साफ है, कंपनी की सारी लायबिलिटीज
अकेले मिस्टर मुत्तुस्वामी के कंधे पर आएंगे। ये इंग्लिश में तुम क्या बोला? लागत। अयो ये तुम लोग सब प्लान करके मेरे को फंसाने को आया? अरे नहीं मिस्टर स्वामी ना, ये तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम तो आपके गैर कानूनी ढंग से कमाए गए काले धन को सफेद करना चाहते हैं। मेरे को तुम लोग की ये हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर आप कहेंगे तो एक आध कॉज इसमें से कट कर देंगे। हाँ। भाई साहब, अगर किसी ने चूहे की तरह भागने की कोशिश की तो हम उसे बिल्ली की तरह दबोच लेंगे। खुशामदीदा खुशामदीदा। उर्दू उर्दू रे हम नया ना उर्दू सीखा ना। वेलकम। मैं अपना शरीक है हयात के है? या वाइफ को बताया कि अपने बेटी की शादी में तेरे को इनवाइट करेगी, लेकिन तुम तो पहले चली आई। भाई आ गया इसलिए ताकि तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ सको। देखिए देखिए कमिश्नर साहब, हमारा ये मुत्तु स्वामी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो यहाँ बहुत डरा धमका के बुलाया गया है। वरना आप खुद सोचिए कमिश्नर साहब, हमारे ऐसे शरीफ लोगों का इन अंडरवर्ल्ड वालों से क्या लेना देना है? पुलिस को तुम शरीफ लोगों की भी तलाश थी। चीटिंग और धोखाधड़ी के तमाम मामले तुम लोगों के खिलाफ दर्ज है। तुम एआर पटेल स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों का घपला कर चुके हो। डीएन मेहता, पारेख भाई और बाबू भाई, सैकड़ों इन्वेस्टर्स का काफी रुपया हड़प किया है तुम लोगों ने। अरे मुस्कुराओ भाई, प्रेस वाले तुम्हारी फोटो खींचना चाहते हैं। मिस्टर पिंटो, तुम इधर आकर हमारा बहुत हेल्प किया रे। हेल्प तो अभी पता चलेगा मिस्टर मुत्तुस्वामी। इन चार चीज के साथ मिलकर तुम कौन सा खेल खेलने वाले थे? गिल्ली डंडा। देखो हमारा अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? सबूत? सबूत है, सबूत है वो बैग जो आज सारा दिन अंदर बाहर होता रहा है। इंस्पेक्टर बख्शी। यस सर। ढूंढो इस बैग को। यस सर। हरी अप। यस सर। क्या हुआ मुत्तुस्वामी, डर गए? अभी पता चलेगा। मिल गया सर, ये रहा वो बैग। गुड बख्शी, गुड। सर, आपने वो हीरोइन वाला बैग ढूंढ निकाला? यू फैंटास्टिक मिस गुलेरिया, आई नो इट। मिस्टर मुत्तुस्वामी, अपने नाजायज काले धंधे से इन चीफ्स के साथ मिलकर चीटिंग का कोई नया धंधा शुरू करने वाले थे क्यों? यस, ये है उसका प्रूफ। आप लोग अपने कैमरों को तैयार रखिए और दिखा दीजिए सारे देश को आल्बर्ट पिंटो का कारनामा। कैमरा बंद, बंद कैमरा। खुशामदीदा यो मुर्गा। पिंटो साहब, ये शरीफ लोगों का टाइम खराब मत करो, ये चोर लोगों को लेके जाओ। जाओ। ठीक है ठीक है। बख्शी सर, पटेल और उनके साथियों को अरेस्ट कर लो। मुत्तुस्वामी, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन तुम पर मेरी नजर रहेगी। ये बैग लेके जा रहे। वेल डन प्रीतम। थैंक यू डैड। आज तुमने जिस तरह से बात करती है हमको लगा कि तुम बहुत दिमाग वाला है। थैंक यू। इसलिए हमने सोच लिया कि हमारी कंपनी है मुत्तुस्वामी एंटरप्राइजिंग का, मैं तुमको चीफ वो क्या रहे फाइनेंशियल ऑफिसर, हाँ वो बना गया। थैंक यू डैड, व्हाट एन ऑनर। क्या डॉन, अभी हम लोग क्या काम करेंगे? मतलब अच्छा काम या बुरा धंधा? वही अच्छा के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा, समझा नूरा? अपन समझ गया डॉन, जो दिखने में अच्छा है उसके साथ अच्छा काम, और जो दिखने में बुरा है उसके साथ बुरा, है ना डॉन? अयो अयो, ए थोड़ा पीछे रह, पीछे टर्न दे। ए कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, जो हिलेगा उसे खाने को गोली मिलेगा। अरे पीने को तेरे को। ए तू चुप कर, तूने तो अपुन को बहुत तड़पाया रे, बहुत लूटा है, आज अपुन तेरे को जी भर के लूटेगा। बैग रोक सके तो रोक ले। अयो हम बहुत डर गया रे, बहुत डर गया। तेरे को जो चाहिए तू लेके जा, तू लेके जा, हम डर गया। मुत्तुस्वामी डर गया? एकदम डर गया। ए मुत्तुस्वामी डर गया। ए बंबई का किंग कौन? सलीम लगना अपन के। चल चल।
अब ये बंबई का किंग चड्डी पहन के बंबई घूमेगी रे। पुलिस भागो भागो। सलीम लंगड़ा, बहुत दिनों से पुलिस को तुम्हारी तलाश थी, आज पकड़े गए हो, वो भी माल के साथ। बख्शी सर, अरेस्ट देम। पुलिस का डंडा चढ़ेगा लंगड़े, चल चल कान में घुसाऊंगा। सर, 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 मेरा इनाम। ये रहा तुम्हारा इनाम। बीवी खुश हो जाएगी। हे ऊपर वाले, तू जब भी देता है तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू। आई आइयो, अब दोनों जोड़ी खड़े होकर फेरे शुरू करो जी। आमना जी, तुम यही ठहरो, हम डॉन जी से मिलकर आते हैं। ये हमारा ड्राइवर रहमान पाकिस्तान से कैसे वापस आ गए? अगर ये हमारी बेटी की शादी में प्रॉब्लम करते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा कि संजना रहमान के बेटे की मां बनने वाली है। अयो, हमारा कंदन का नाक कट जाएगी रे। माफ कर दीजिए डॉन, वो मैं आपको बिना बताए चला गया था ना, मुझे माफ कर दीजिए डॉन। लेकिन इसके लिए हम तेरे को पनिशमेंट देंगे। डॉन, मैंने जो कुछ भी किया ना डॉन, वो मोहब्बत में किया है डॉन, वरना उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती ना। तो इसके लिए तो शादी से पहले उसको मां बनाएंगे। हाँ? डॉन, आपको भी ये बात पता चल गई? पॉबी, पॉबी, हम तेरा को छोड़ के नहीं रहे, हम तेरी जान ले लेंगे। डॉन, 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 मैं तो उससे शादी कर। अरे उसकी शादी तेरे से नहीं होगी रे। नहीं डॉन, मेरी तो शादी उसी से होगी, और अगर आपने मेरी शादी नहीं होने दी ना, तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, नूरा वीरो, इसको टोक डाल दे, टोक डाल, टोक डाल। लेकिन सर, हम लोग तो सुधर गए हैं ना। लेकिन इसके लिए फिर से बिगड़ेंगे। ओके डॉन, अब देखो अपुन इसको कैसे आपके स्टाइल में ठोक डालता है। टर्न रे, टर्न रे, अब मेरी बारी। ये क्या हो रहा है, क्यों मारे हो मेरे रहमान को? तो कौन रहे? ये डॉन, यही तो है वो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरी शरीक हयात। तू मेरे को उर्दू मत सिखा, तू मेरे को उर्दू मत सिखा। तू बता, मेरी बेटी संजना से तेरा क्या रे? क्या रे, क्या रे, मैं पूछता क्या रे? अबा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे प्रधान से शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। ये रहमान, तू मेरे को माफ कर दे, माफ कर। ये मुर्गा, एक पप से तू मेरे को बचाया रे। थैंक यू रे, थैंक यू। आज हम बहुत खुश थे, बहुत खुश। अब हम तेरी शादी मेरी दो भतीजी के साथ धूमधाम से करेंगे। हाँ, बड़ा। आज हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशी करेंगे, खूब मजा करेंगे। तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देखती रहे? टट रहे? अब क्यों? ये डांस करने के लिए डांस। You gotta jump this way, you gotta jump that.
Let's go.